नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आइए आज हम जानते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बीजीय व्यंजक कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्यंजक के पद और उनके गुणांक क्या होते हैं। तत्पश्चात हम समान और असमान पद के बारे में जानेंगे, और सबसे आखिर में हम दो व्यंजकों को जोड़ा और घटाया कैसे जाते हैं ये सीखेंगे। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि बीजीय व्यंजकों को बनाया कैसे जाता है। आप लोग चर और अचर को तो जानते ही होंगे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि चर वो राशि होती है जिनका मान बदलता है, यानी कि जिनका मान कभी निश्चित नहीं रहता, और अचर वो राशि होती है जिनका मान निश्चित रहता है। उदाहरण के तौर पर 4, 5, 6, 7, इन सभी का मान निश्चित है तो इन्हें हम अचर कहते हैं, और x, y, z, इन सभी का मान अनिश्चित है, इनका मान कुछ भी हो सकता है, तो इन्हें हम चर कहते हैं। तो चर और अचर को संयोजित करके ही व्यंजक का निर्माण होता है। जैसे कि हम उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण है हमारे पास 4x + 5। इसमें हमने क्या किया है, हमने अचर है 4 हमारे पास और चर है x, तो हमने उन दोनों का गुणा किया है और फिर उनके साथ हमने एक और अचर 5 को जोड़ दिया है। तो इस तरह से हमने चर और अचर को संयोजित करके एक व्यंजक का निर्माण किया है जो है 4x + 5। उसी तरह से हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, उसमें हमने एक अचर लिया है 3 और उसके साथ एक चर राशि x का 2 बार गुणा किया है, फिर उनके साथ हमने एक और अचर राशि 5 को घटा दिया है। तो इस तरह से दूसरा उदाहरण बना हमारे पास 3x² - 5। और आप इसी तरह तीसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्यंजक के पद और गुणनखंड क्या होते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण के तौर पर एक व्यंजक लिख लेते हैं जो है 4x² - 3xy। तो हम जानेंगे कि इनके पद क्या होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 4x² और 3xy को एक ऋण चिन्ह के साथ संयोजित किया गया है। तो जिन भी राशियों को ऋण या धन चिन्ह के साथ संयोजित किया जाता है उनको हम पद कहते हैं। तो यहां पर हम दो पद को संयोजित कर रहे हैं एक ऋण चिन्ह के साथ। वो दो पद कौन कौन से हैं? पहला पद है 4x² और दूसरा पद है 3xy। तो इनके हम पद लिखेंगे, पहला पद 4x² और दूसरा पद 3xy। अब हम इनके गुणनखंड देखना चाहें तो गुणनखंड होते हैं उन पदों को भी किन छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ सकते हैं। जैसे 4x² को हम लिख सकते हैं 4 × x × x, और 3xy को लिख सकते हैं 3 × x × y। तो जो अलग अलग हमारे पास भाग आए हैं वो क्या है, उनके गुणनखंड हैं। जैसे 4x² के गुणनखंड क्या होंगे, 4 × 1x × 1x, और 3xy के गुणनखंड क्या होंगे, 3x और y। अब हम देखते हैं कि व्यंजक के गुणांक क्या होते हैं। अगर हम थोड़ी देर पहले हम जाने तो हमने क्या सीखा था, हमने व्यंजक के पद सीखे थे और उनके गुणनखंड करना सीखे थे। तो उन गुणनखंड में दो तरह की राशि आई थी, एक राशि थी चर और एक राशि थी अचर। तो उन गुणनखंड में जो अचर राशि होती है वो एक संख्या होती है, तो हम उस गुणनखंड को क्या कहते हैं, संख्यात्मक गुणनखंड कहते हैं। और उस संख्यात्मक गुणनखंड का ही एक विशेष नाम होता है और उसे कहते हैं हम गुणांक। तो अगर कोई एक पद है हमारे पास 4x², तो उसके गुणनखंड क्या हुए, 4x और x, उसमें संख्यात्मक गुणनखंड क्या हुआ, 4। तो हम कहेंगे कि 4 4x² पद का गुणांक है। अभी हमने पद और उनके गुणनखंड के बारे में जाना, अब हम जानेंगे पदों के प्रकार जो कि दो हैं, समान पद और असमान पद के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं समान पद के बारे में। समान पद वे पद होते हैं जिनके बीजीय गुणनखंड एक समान होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम दो पद लेते हैं 5xy और -2xy। सबसे पहले जानते हैं 5xy के बीजीय गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो 5xy के बीजीय गुणनखंड होंगे x और y। यहाँ पर 5 इसका संख्यात्मक गुणनखंड है, हम बात कर रहे हैं इनके बीजीय गुणनखंड के बारे में, तो वो है x और y। उसी तरह से हम -2xy के बीजीय गुणनखंड देखेंगे तो वो होंगे x और y। तो दोनों के गुणनखंड x और y ही हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 5xy और -2xy दोनों समान पद हैं।
अभी हमने समान पद के बारे में जाना, तो आइए अब जानते हैं हम असमान पद के बारे में। इसकी परिभाषा देखी जाए तो बहुत ही सीधी है, जिनके बीजे गुणनखंड एक जैसे न हो उन पदों को हम असमान पद कहते हैं। तो आइए इसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं। सबसे पहले दो पद लेते हैं, पहला पद है 5xy² और दूसरा पद है -2x³y। तो सबसे पहले अब दोनों के बीजे गुणनखंड लिखते हैं। 5xy² के बीजे गुणनखंड लिखेंगे तो वो होंगे x और y और y, और -2x³y के लिखेंगे तो वो होंगे x, x, x और y। तो 5xy² के बीजे गुणनखंड में x एक बार आ रहा है और y दो बार, जबकि 2x³y के बीजे गुणनखंड में x तीन बार आ रहा है और y एक बार। तो दोनों के बीजे गुणनखंड एक समान नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि 5xy² और -2x³y दोनों असमान पद हैं। आइए अब हम जानते हैं कि दो व्यंजकों को जोड़ा कैसे जाता है। तो इसके बहुत ही तीन सरल से चरण हैं। सबसे पहला चरण है कि समान पदों को एक साथ लिखो, दूसरा चरण है समान पद के गुणांक को जोड़ दो, और सबसे अंतिम चरण जो असमान पद हैं व्यंजक में उनको वैसा का वैसा ही रहने दो। आइए अब व्यंजकों के जोड़ को हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो व्यंजक चुनते हैं। पहला व्यंजक लेते हैं 30ab प्लस 12b प्लस 10a, और दूसरा व्यंजक लेते हैं 10b प्लस 18a प्लस 15ab। सबसे पहले हमारा चरण था समान पदों को एक साथ लिखना। तो सबसे पहले हम समान पदों को ढूंढते हैं। पहले व्यंजक का 30ab और दूसरे व्यंजक का 15ab दोनों समान पद हैं, तो हम 30ab और 15ab को एक साथ लिखेंगे। फिर पहले व्यंजक का 12b और दूसरे व्यंजक का 10b दोनों समान पद हैं, तो उन्हें हम एक साथ लिखेंगे। और अंतिम में पहले व्यंजक का 10a और दूसरे व्यंजक का 18a वो दोनों समान पद हैं, तो हम उन्हें साथ साथ लिखेंगे। अब दूसरे चरण के अनुसार 30ab और 15ab को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 45ab। उसके पश्चात 12b और 10b को जोड़ने पर आएगा 22b। फिर उसके पश्चात 10a और 18a को जोड़ने पर आएगा 28a। तो इस तरह से हमें दो व्यंजकों को जोड़कर एक व्यंजक मिला, जो है 45ab प्लस 22b प्लस 28a। अभी हमने दो व्यंजकों को जोड़ना सीखा। आइए अब जानते हैं कि दो व्यंजकों को घटाया कैसे जाता है। जिस तरह से हमारे पास जोड़ने में तीन चरण थे, उसी तरह से हमारे पास घटाने में भी तीन सरल से चरण हैं। सबसे पहला चरण है कि समान पदों को एक साथ लिखो, दूसरा चरण है कि समान पद के गुणांक को घटा दूं, और तीसरा चरण है असमान पदों को वैसा का वैसा ही रहने दो। अब दो व्यंजकों के घटाने को भी हम एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। इस बार भी हम वही दो व्यंजक लेते हैं जिन्हें हमने जोड़ने के इस वक्त इस्तेमाल किया था। तो पहला व्यंजक था 30ab प्लस 12b प्लस 10a, और दूसरा व्यंजक था 10b प्लस 18a प्लस 15ab। तो पहले चरण के अनुसार हम फिर से समान पदों को एक साथ लिखेंगे। तो समान पदों को लिखने के लिए 30ab और 15ab को एक साथ, 12b और 10b को एक साथ, और 10a और 18a को हमने एक साथ लिखा। अब हम दूसरे चरण के अनुसार उनके गुणांकों को घटा देंगे। तो 30ab और 15ab को घटाने के लिए 30 में से 15 को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 15। तो जो व्यंजक है उसका पहला पद आएगा 15ab। उसके पश्चात दूसरे पद के लिए हम 12b में से 10b घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 2b, और तीसरे पद के लिए हम 10a में से 18a घटाएंगे तो आएगा हमारे पास ऋण का 8a। तो इस तरह से दो व्यंजकों को घटाने पर जो तीसरा व्यंजक आया वो आया 15ab प्लस 2b माइनस 8a। तो आइए हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि बीजीय व्यंजक को कैसे बनाते हैं, जो कि चर और अचर के संयोजन से बनता है। उसके पश्चात हमने देखा कि व्यंजक के पद क्या होते हैं, और उनसे जाना कि पद के गुणांक क्या होते हैं। उसके पश्चात हमने जाना कि समान और असमान पद क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, और उनमें मूल भेद क्या होता है। तत्पश्चात हमने दो व्यंजकों को जोड़ना और घटाना सीखा। धन्यवाद।